नमस्कार, देसी कुकिंग शो में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी लौकी आलू की सब्जी, जो कि बहुत ही आसान है इसको बनाना। और जो लोग अकेले रहते हैं, बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं, अकेले दूर रहते हैं अपने शहर से, अपने पेरेंट्स से, वो इसको बहुत आसानी से बना सकेंगे और अपना पेट भर सकेंगे और स्वाद लेके खा सकेंगे। ये लौकी ली है मैंने, एक आलू लिया है, एक प्याज, टमाटर, ये हरी मिर्च है, दो बहुत कम तीखी है इसलिए दो लिए, अगर ज़्यादा तीखी हो तो एक मिर्च ले लें। और ये अदरक है, अदरक का एक टुकड़ा है 1 इंच का। कुकर गर्म हो रहा है, अब इसमें जो है मैं 1 चम्मच तेल, बड़ी चम्मच सर्विंग स्पून है, को सरसों का तेल डाल रही हूँ और इसको धुआं निकलने तक इसको गर्म करेंगे। अब ये सारी सब्जियाँ मैंने काट के रख ली हैं, जैसे ये है लौकी, उसके साथ ही प्याज, हरी मिर्च और अदरक, इन सबको बारीक, इन दोनों को बारीक टुकड़ों में काटा, इसको भी छोटा ही छोटा काटा हुआ है और ये लौकी थोड़े बड़े टुकड़ों में है। इसके साथ ही ये आलू काट के मैंने पानी में डाल के रख दिए थे ताकि ये काले ना पड़े। अब ये तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे जीरा। जीरा जैसे ही पकेगा इसमें ये प्याज डाल देंगे, जीरे के क्रैकल होते ही ये प्याज डाल देते हैं। अब इसमें ये हरी मिर्च और अदरक भी डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा इसको नहीं वो कर ब्राउन नहीं करना है, वैसे भी हल्का सा हो गया है। अब इसमें लौकी डाल देते हैं, ठीक, आलू, अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, बहुत ही सिंपल मसाले जो घर में मिलते हैं, हर घर में मिल जाएंगे। ये हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर और ये धनिया पाउडर। इसको थोड़ा सा भून जाएगा फिर इसमें नमक डालेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है लौकी की सब्जी। अब इसमें मैंने ये टमाटर जो थे इसमें चॉपर में काटे थे, बारीक हो गए, इसको इसमें डाल देते हैं। बस अब इसमें और कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ी देर इसको कम से कम 3-4 मिनट भून लेंगे ऐसे ही, और फिर पानी डाल के इसको बंद करना है। बस ये 2 मिनट हो गया है, अब बस इसे पानी डाल के और कुकर में प्रेशर आने के लिए रख देंगे। कुकर बंद करके पानी डाल देते हैं। इसका प्रेशर ख़त्म हो गया है, अब इसको खोल लेते हैं। देखिए पक गई है पूरी, सॉफ्ट हो गई, बस ये तैयार है, बन गई। अब इसमें धनिया डाल देते हैं, धनिया पत्ती डाल के निकाल लेते हैं।